हम सीखेंगे कि ये पेंसिल का स्टैंड कैसे बनाते हैं। आपको इसको बनाने के लिए बस एक A4 पेपर चाहिए और कुछ नहीं। तो इस पेन स्टैंड को बनाने के लिए आपको एक A4 कागज की जरूरत है और जितना कड़क पेपर आप यूज करेंगे उतना ही मजबूत आपका पेन स्टैंड बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कागज को ऐसे आधे में मोड़े और उस पे नाखून से दबाएं। अब इसे आराम से हाथ से पकड़ के आधे में वापस मोड़िए ऐसे। ऐसे और नाखून से दबाएं। अब इसे खोलिए और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों किनारों को बीच की लाइन तक कैसे मोड़ेंगे। सबसे पहले बंद वाले किनारों को ऐसे मोड़ेंगे और अब जो खुले वाले हिस्से हैं उनके बस ऊपर वाले भागों को मोड़ना है ऐसे। नाखून से दबाइए और दूसरी तरफ से भी वही कीजिए। अब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे। हमें इसे ऐसे मोड़ना है ताकि जो किनारे हैं हमने मोड़े हैं वो मोड़े ना, और ये जो जगह दिख रही है इसे नुकीला होना चाहिए। अब दूसरी तरफ से भी वही कीजिए। अब इसे खोलिए और अब हमें ये निचले वाले हिस्से को ऐसे ऊपर मोड़ना है। अब ये जो नीचे पॉकेट है इसे हमें ऐसे खोलना है और दोनों साइड से थोड़ा सा दबाव डालना है ऐसे। और अब हमें इन किनारों को ऐसे ऐसे पिंच करना है। बिल्कुल ऐसे। और जब आपने इनको ऐसे पिंच कर दिया है तब आप इसको ऐसे नाखून से दबा सकते हैं। अब इसे अपने दाएं ओर ले जाएं और ऐसे रखें और इसे थोड़ा खोलिए। ये पॉकेट है, इसके अंदर हमें ये मुड़े हुए हिस्से को अंदर डालना है। बिल्कुल ऐसे। अब हमें दूसरी तरफ से भी वही करना है। पहले पिंच किया, फिर इसे इधर ले जाके इस पॉकेट में डाल लेना है। और देखिए आपका पेन स्टैंड तैयार है। दोस्तों, रंगों की मदद से आप इस
पेंसिल स्टैंड को और खूबसूरत बना सकते हैं। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।